हेलो दोस्तों, कूट कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पुराने टिन के डब्बों से एक बहुत ही खूबसूरत किचन ऑर्गेनाइज़र बनाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 टिन के कैन जो रसगुल्लों के खाली हुए हुए डब्बे हैं। इनके ऊपर मैं ऑयल कलर कर रही हूँ ब्लू कलर का, क्योंकि इसको वॉश करना और गीले कपड़े से साफ़ करना बहुत इजी होता है। अब ऊपर की तरफ जहाँ पर ढक्कन होता है थोड़ा किनारे शार्प होते हैं, उनको सील करने के लिए यहाँ पर मैं फेविक्रिल मोल्डेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको अच्छे से मिक्स करके जब वो वाइट हो जाए उसकी इस तरीके से मोटी सी लोई बनानी है और चारों तरफ इस तरीके से उसको लगा देना है। जब ये तीनों डब्बे सूख जाएं तो आगे हम काम करेंगे। अब अलग से हमने एक बॉक्स में जो है एक्रेलिक कलर और फेविकॉल को मिक्स कर लिया है, और एक मैंने लिया है यहाँ पर वेस्ट बोर्ड। आप जिस भी साइज़ का बनाना चाहते हैं उस साइज़ का बोर्ड ले लीजिए और उसके ऊपर इस टेक्सचर पेस्ट को अच्छे से पेंट करके सूखने के लिए रख दीजिए। ये सूख गया है हमारा। अब इस बोर्ड पर नीचे की तरफ से लगभग 1 इंच छोड़कर 3 बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों पर हमें जो है अपने नेल्स लगाने हैं। नेल को लगाने के लिए यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रही हूँ। ये हैंड ड्रिल की मशीन है और ये मैंने अभी अभी नई नई अमेज़ॉन से मंगाई है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, पर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका दोस्तों। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप मंगाने के इच्छुक हैं तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी यहाँ पर नेल लगा सकते हैं। आप चाहें तो टिन के बॉक्स को डायरेक्ट भी इस पर चिपका सकते हैं, मगर मैं कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट कर रही हूँ ताकि हम उनको निकाल के इजीली साफ़ कर सकें। इसीलिए यहाँ पर हमने 3 होल किए हैं और उसके अंदर हम अपने 3 जो हैं पेंच या फिर कील जो है उसको फ़िक्स करेंगे। मेरी जो पेंच हैं वो इस होल से थोड़े छोटे हैं, तो उनको अच्छे से फ़िक्स करने के लिए यहाँ पर मैं एमसील का यूज़ कर रही हूँ। एमसील को इस अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लें और उसके अंदर फिर अपने पेंच को ऐसे फंसा दें। बाहर आपका इस तरीके से राउंड सा एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और आपका पेंच भी काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसको फ़िक्स करने के लिए आप एमसील का ही यूज़ करें, शिल्पकार या मोल्डेड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब यहाँ पर ली है मैंने ये लटकने वाली इस तरीके की पत्ती, ये 5 रुपये की एक मैंने मार्केट से ली है, और इसको हम अपने टिन पर पीछे की तरफ एम सील से फिक्स कर देंगे। ऐसे ही हमें अपने तीनों डब्बों पर कर लेना है। जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देख लें लगाकर, और फिर अपने इस पत्ती को अपने टिन के बॉक्स से चिपका दें। अब हम बनाएंगे थोड़े से डिज़ाइंस अपने तीनों टिन के डब्बों पर। तो उसके लिए हमने फेविक्रिल मोल्डेड यहाँ पर ले लिया है, उसको वाइट होने तक हमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद फिर आपको जल्दी से इसके डिज़ाइंस बनाने होते हैं, नहीं तो ये काफ़ी एकदम से हार्ड हो जाती है। तो अब हम इसके डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो एक से डिज़ाइन बना सकते हैं सब पर, या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं जैसे कि मैं बनाने वाली हूँ। क्योंकि मैं ये एक किचन ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसी तरीके के पैटर्न सेलेक्ट किए हैं। हल्का सा मैंने यहाँ पर मिडिल पॉइंट ले लिया है ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो मिडिल में आए। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक लेडी शेफ, और इस तरीके से छोटे छोटे इसके डिज़ाइंस या बॉडी के पार्ट्स बनाते हुए हम उसको फेविकॉल की हेल्प से इस पर चिपकाते रहेंगे। तरीके से लगा कर देखेंगे और जितनी कटिंग चाहिए गर्दन के नीचे वहाँ पर फेविकॉल लगा कर इसको फिक्स करेंगे, और उसके ऊपर छोटा सा एक नेक पे डिज़ाइन जो है अपनी मर्जी से क्रिएट करेंगे। ये बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का शेफ जो है वो बनाने वाले हैं।
यहाँ पर छोटी छोटी सी मैंने आइज़ लगा दी हैं, और क्योंकि मैं ये एक मम्मी शेफ़ बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा चबी चबी सा रखा है। अब इसको सूखने के लिए छोड़ते हैं और दूसरे मोल्डेड से इस तरीके से रोल को बेल के और उस पर मैं एक नाइफ़ का डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरीके से एक और पे हम जो है स्पैचुला का डिज़ाइन जो है ड्रॉ करेंगे और कट करके इसी तरीके से टिन के बॉक्स पर फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे। जहाँ पर भी आपको मोल्डेड की दो चीज़ों को आपस में चिपकाना हो, जैसे यहाँ पर इसकी डंडी और ऊपर के हिस्से को चिपकाना है, तो हल्का सा फिंगर में पानी लगाइए और उसको उससे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, तो वो काफ़ी अच्छे से आपका एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। और इसको भी हम अपने टिन के डब्बे पर इस तरीके से चिपका देंगे। अब हम अपने तीनों चीज़ों को अच्छे से सूखने के लिए रखेंगे। जब ये सूख जाएंगे तो सबसे पहले अब हम इसके ऊपर करेंगे अपना वाइट एक्रेलिक कलर। तीनों डब्बों के डिज़ाइन पर हम अपना वाइट एक्रेलिक करेंगे और उसके बाद इसको भी सूखने के लिए रखेंगे, और सूखने के बाद फिर हम इस पर आगे के कलर्स से डिज़ाइन बनाएंगे। इतने तक ये सूखेगा, इतने तक मैं साइड में एक टेक्सचर दे रही हूँ। टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर टील ब्लू और लेमन येलो कलर लिया है और साथ में लिया है छोटा सा स्पॉन्ज का टुकड़ा, और उससे दोनों कलर को हल्का हल्का सा मिक्स करके डिज़ाइन के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के और उसके आगे के हिस्से में हमने ये कलर का टेक्सचर दिया है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस पूरे के पूरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और बाद में जब हमारा नाइफ़ का एक्रेलिक पेंट सूख जाएगा वाइट वाला, तो उसके ऊपर अब हम अपने नाइफ़ का जो है कलर देंगे। तो ऊपर के हिस्से में जो हमारी छुरी वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर मैं स्टील ग्रे यानी कि वाइट और ब्लैक को मिक्स करके कलर कर रही हूँ, और नीचे के हिस्से में मैंने यहाँ पर दिया है पर्पल एक्रेलिक कलर। तो इसी तरीके से हम अपना स्पैचुला वाला टिन कैन भी पेंट कर लेंगे। करते हैं अपना शेफ पेंट। शेफ को पेंट करने के लिए फेस पर मैं कर रही हूँ स्किन कलर। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं, ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा आपका पेंट। उसके अलावा यहाँ पर हम लेंगे ब्लैक और वाइट कलर। तो बालों में हमने ब्लैक कलर करना है और उसका एप्रन और जो कैप वगैरह है वो सब भी वाइट और ब्लैक में ही बनेंगे। अब बनाएंगे हम उनकी आईज़। आईज़ पर हमने पहले वाइट कलर किया, फिर छोटी छोटी सी एक डॉट ब्लैक कलर की दी, और क्योंकि हम ये बना रहे हैं शेफ़ मम्मी, तो शेफ़ मम्मी को डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ छोटी सी बिंदी और हाथों में चूड़ियाँ, क्योंकि सभी की मम्मियाँ ही ज़्यादातर उनकी शेफ़ होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने चूड़ियों और बिंदी वाली शेफ़ मम्मी बनाई है। अब इसको रखेंगे हम अच्छे से सूखने के लिए, और सूखने के बाद हम करेंगे इस पर अपना क्लियर वार्निश। चलिए अब करते हैं अपना मेन जो बोर्ड है उसको तैयार। उस पर मैं कर रही हूँ ऑरेंज कलर का एक्रेलिक कलर। पूरे ऑर्गेनाइज़र में कलर कॉम्बिनेशन टोटली आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। मुझे थोड़ा कलरफुल सा कुछ बनाना था, तो इसलिए मैंने इतने सारे कलर्स का इसमें यूज़ किया है। तो ये हमारा बेस कलर ऑरेंज हो गया और साइड्स को मैंने ब्लू कलर से पेंट किया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक स्टेंसिल और उससे साइड्स में थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन जो है लेमन येलो कलर से स्पॉन्ज से टैप करके बना रही हूँ। आप चाहें तो आप ब्रश से भी डायरेक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो। स्टेंसिल से डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी होता है और उसको आप फिर बाद में ब्रश से थोड़ा सा फिनिशिंग दे सकते हैं। तो ये देखिए, एक मिनट भी नहीं लगा और ये हमारा डिज़ाइन बन गया। उसके अलावा यहाँ पर फिर से मैंने टील ब्लू और लेमन येलो कलर को स्पॉन्ज में डैप किया है, और बीच वाले पोर्शन को हम इस तरीके से एक टेक्सचर देंगे, और इतना टेक्सचर देंगे यहाँ पर कि उसके ऊपर, मतलब इतना लंबा देंगे वो कि उसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत ईजीली आ जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये टेक्सचर दिया है और डिज़ाइनिंग की आउटलाइन भी कर दी है मैंने टील ब्लू कलर से। इसके अलावा यहाँ पर लिया है डार्क ब्लू या पर्शियन ब्लू कलर, और उससे यहाँ पर जो मर्जी चाहे आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रही हूँ, अब आप देखिए क्या लिख रही हूँ।
ये देखिए दोस्तों, क्योंकि वो सब चीज़ों से हमें रसोई में बहुत हेल्प मिलती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है रसोई के साथी। चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ जहाँ पे हमें इसको लगाना है। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड पूरा सूख चुका है। रसोई के साथी पर मैंने हल्का सा येलो कलर का 3D आउटलाइनर से टचअप दिया है। सारे डब्बों और बोर्ड को क्लियर सिंथेटिक वार्निश से वार्निश कर लिया है ताकि इसको धोने में या क्लीन करने में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अब बस एक प्रॉब्लम है, वो है इसको टांगना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी गैस है, थोड़ी डाउनवर्ड है नॉर्मल स्लैब से, और मैं चाहती थी कि उसके साइड में कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करूं कि बहुत जल्दी से मुझे सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएं। एक तरीका तो ये है कि हम इसी तरीके से ऊपर होल करें और वहाँ पर कोई भी डोरी बांधें और उसको नेल पे लटका दें, पर क्योंकि यहाँ पर सारे में टाइल्स लगी हुई हैं तो नेल लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरे पास है ये एक IVY टेप, या इसको नैनो टेप भी कहते हैं। इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, ये भारी से भारी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से होल्ड कर लेती है। तो आज चलिए इसको लगाकर देखते हैं। फिंगर क्रॉस कर रही हूँ कि ये चिपक जाए और मुझे दीवार में या टाइल में ड्रिल ना करनी पड़े। तो इसकी मैं दो लंबी लंबी पट्टियाँ काट कर एक ऊपर और एक नीचे लगा रही हूँ। वैसे ये अगर हम दो साइड में छोटी छोटी भी काट कर लगाते तो काम हो जाता, पर क्योंकि मुझे अभी डाउट है कि पता नहीं ये कैसा काम करेगा, फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने पूरी लंबी की लंबी पट्टी ली है। और क्योंकि हमारे कंटेनर में भी हम सामान रखेंगे तो ये ओवरऑल वेट तो होगा इसके अंदर। तो ये देखिए, ये डबल साइड होती है, इसको हमने अच्छे से इसके ऊपर चिपका देना है। पहले हाथ से खूब टाइट कर देना है, उसके बाद अब हम इनको लगाएंगे। लगाने के लिए अब हम क्या करना है, ये डबल साइड है तो इसके ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट फिल्म टाइप की होती है, उसको हमें ऊपर और नीचे दोनों तरीके से अच्छे से उतार देना है। जहाँ पर भी आपको लगाना है उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से सूखे कपड़े से साफ़ कर लें, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये लगाया हमने यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लगाना है, उसके बाद अच्छे से इसको जो है मुक्की मार मार के इसको टैप कर लेना है ताकि ये दीवार के साथ बहुत अच्छे से चिपक जाए। अब हम टांगते हैं इस पर अपने ऑर्गेनाइज़र जो हमने बनाए हैं। बीच में टांग दिया हमने शेफ़ मम्मी, एक तरफ टांग दिया हमने स्पैचुला वाला कंटेनर, और एक तरफ टांगेंगे हम अपना नाइफ़ वाला कंटेनर। और उसके बाद ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी हो गया है हमारी किचन के लिए। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही यूज़फुल भी रहेगा, क्योंकि किचन के में गैस के बहुत पास मैंने इसको लगाया है। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रही हमारी गैस और ये रहा हमारा गैस के पास ऑर्गेनाइज़र। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये ऑर्गेनाइज़र एकदम वेस्ट टिन के डब्बों से? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।